नया सन सिल्क हेयर फॉल सॉल्यूशन सिर्फ 1 रुपए में। दामिनी जी, हम आपके लिए सर पर आइस लेकर आए हूँ। अरे कहाँ है तुम्हारे सर पर आइस? अरे वो कहते हैं ना, जब अचानक कोई बात हो ना तो अंग्रेजी में इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, सर पर आइस। समझ गई समझ गई, तुम सरप्राइज कहना चाहते हो। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, आप समझ तो गई ना। हाँ हाँ समझ गई। अच्छा बताओ कहाँ है सरप्राइज? ये रहा। हुआ, हंस क्यों रही हैं आप? तुम जानते भी हो ये कौन है? कौन है? ये फिल्म एक्टर है। तो क्या हुआ, इसमें बुराई कहाँ है? देखो हरिराज, सपने देखना छोड़ दो, समझे? अरे आप भी कोई हीरोइन से कम है का? पनठन के नहीं रहती, तनिक लिपस्टिक पाउडर लगाया कीजिए, फिर देखिएगा पूरे शहर में आग लग जाएगी। इसलिए तो मैं नहीं लगाती। अरे हमें तो एक ही बात का अफसोस है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं। अरे पूरी जिंदगी ना मारपीट गुंडागर्दी में निकाल दी, फेस भी कोई फंटास्टिक नहीं है। अरे नहीं तो हम ही आपसे विवाह कर लेते। अरे राम 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 राम, उका है जल्दबाजी में ना हमारे मुंह से ये बात निकल गई, हमें तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ हरिलाल, हमको तो तुम्हारी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। अरे हमें तो बुरा लग रहा है ना, माँ जी बाऊ जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी, उनका तो विश्वास ही उठ जाएगा ना हम पर। भगवान जी हमें समा कीजिएगा। अरे आप जैसी लक्ष्मी से तो कोई फरिश्ता शादी करेगा, और हम फरिश्ता का अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, समा कर दीजिएगा हमको। हरिलाल हरिलाल सुनो तो सही हरिलाल। अभी आपको पूरा यकीन है कि हरिलाल दामिनी को मना लेगा? मुझे पूरा यकीन है कि दामिनी राजी हो जाएगी। अरे भाभी हरिलाल को लड़का कहाँ से मिलेगा, कौन जानता है उसे यहाँ पर? अजीत हम करेंगे ना उसकी मदद। आप ऐसे एक बात बताइए, दामिनी ने आपसे वादा किया था कि वो शादी कर लेगी, बस हमको तो लड़का ढूंढना है, तो हमें हरिलाल की क्या जरूरत? दामिनी मुझसे झूठ कह सकती है लेकिन हरिलाल से नहीं, और हरिलाल में वो गुण है कि वो दामिनी को मनाकर उसे लड़का भी पसंद करवा देगा। अभी मेरे दिमाग में बात आ रही है, अगर आप गौर करें तो जैसा आप चाहते हैं ना वो काम आसानी से हो जाएगा। कौन सी बात? भाभी मम्मी पापा आ गए हैं, मैं किसी भी तरह उनको समझा दूं कि दामिनी के लिए विवेक से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। नहीं अजीत, इस बात को छेड़ने में खतरा है, दामिनी कभी भी विवेक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो। ऐसे इतनी मुश्किल से वो शादी करने के लिए राजी हुई है, और अगर विवेक की बात हुई तो वो शादी के लिए इनकार कर सकती है। भाभी मुझे तो बस मम्मी पापा को प्यार से समझाना है, और एक छोटी सी कोशिश करनी है कि दामिनी और विवेक के बीच में जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करना, और शादी तो फिर फटाफट हो ही जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जीत हो जाएगी, और जो उम्मीद टूट चुकी है वो फिर से बन जाएगी। लेकिन अजीत ध्यान रहे, तुम्हें मम्मी को ऐसे मनाना है कि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो, और ना ही दामिनी को कुछ पता चले। मैं ऐसे ही चल चलूंगा, अभी आप देखो
मम्मी पापा खुद विवेक को बुलाकर शादी की बात करो। बैठो ना। बेटा तुम्हारी और दामिनी की शादी हो रही थी, ना तुम्हें कोई एतराज था, ना दामिनी को, ना ही तुम्हारे घर वालों को, और ना ही हमें कोई आपत्ति थी। तो फिर अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि शादी रुक गई और अब दामिनी तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती। अंकल मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, सच कहूं तो काफी दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि आपसे आकर मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मौका मिला है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। बेटा हम भी यही जानना चाहते हैं, तुम्हारे और दामिनी की शादी के बीच में जो रुकावटें आई हैं, आखिर क्या कारण है उनका? तुम्हारे और दामिनी की शादी के बीच में जो रुकावटें आई हैं, आखिर क्या कारण है उनका? गलती थी आंटी, मेरी और मेरी मम्मी की। जब दामिनी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था। दामिनी को जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और उसमें सिर्फ हम ही नहीं, आपके घर वाले भी शामिल थे। हाँ बेटे, मुझे ये बात पता चल चुकी थी। मेरे बेटे अजीत ने और मेरी बहू कृष्णा ने यह हरकत की लालच में, लेकिन तुमने हमारा इंतजार क्यों? मेरी मम्मी भी देवराज साहब की बातों में आ गई, और मैं भी मम्मी के बताए रास्ते पे चलने लगा, इसलिए ये फैसला ही नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। सारी गलती हमारी थी अंकल, हमने तो शादी को जैसे एक सौदा बना दिया था, और इसमें दामिनी की कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं थी। आज मुझे और मेरी मम्मी को, हम दोनों को पछतावा है इस बात का। तो आप मम्मी क्या कह रही हैं? वो तो एक ही बात कह रही हैं कि दामिनी जैसी बहू मिलना मुश्किल है। शायद हम लोगों के कर्मों की सजा मिल रही है। मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम सब कुछ हमें सच सच बता रहे। अब मैं भी तुम्हें एक सच बता दूं। सच यह है कि ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम वाकई में सच बोल रहे हो। खुश हुई मुझे। बेटा इससे पता चलता है कि तुम्हें सचमुच दुख भी हुआ है और पछतावा भी। जी आंटी जी, और मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक दामिनी की शादी नहीं होगी, मैं भी शादी नहीं करूंगा। बेटा क्या तुमने दामिनी से शादी करने का इरादा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया? ना, मैं दामिनी के लायक हूं। घर अगर मैं कहूं कि ये रिश्ता फिर से जोड़ा जा सकता है, तो तुम्हें क्या आपत्ति होगी? मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन दामिनी राजी होगी इस बात के लिए? बेटा उसे तो हम राजी कर लेंगे। बेटा चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि उसे ठेस पहुंचे। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि दामिनी इस बात के लिए राजी होगी। बेटा दामिनी को तो हम लोग समझा लेंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी से कौन बात करेगा, उन्हें कौन समझाएगा? आंटी उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, जब वो ये सुनेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। क्या तुमको क्यों? आप कैस नहीं कर पाओगे मम्मी, आज उन लोगों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा क्यों बुलाया था, बता तो सही। बस उन लोगों ने मुझसे पूछा कि
तुम्हारी और दामिनी की शादी में क्या क्या रुकावटें पैदा हुई और मैंने सारी बात सच सच बता दी। तब तो वो जरूर नाराज हो गए होंगे। नहीं मम्मी, आज मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि सच्चाई में बहुत ताकत है और मैंने ये जान लिया कि अगर आप सच बोलो ना तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं और आज हमारे साथ वही हुआ है। तो आप क्या फैसला किया? अब फैसला तो आप करेंगे मम्मी। अगर आप कहेंगी तो दामिनी से मेरी शादी हो जाएगी। सच? दामिनी? दामिनी मेरी बहू बनेगी? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है बेटा। बस मम्मी, मुश्किल सिर्फ एक बात की है, दामिनी मुझसे बहुत नाराज है। वो राजी हो पाएगी? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। अगर दामिनी शादी के लिए राजी हो गई और अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हुई ना, तो मैं यही समझूंगी भगवान ने मुझे माफ कर दिया। अब देखो, मैं दामिनी से खुद मिलूंगी, उसे समझाऊंगी, उसे मनाऊंगी और अगर उसने हाँ कह दिया ना तो फौरन तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। हाँ तो क्या आप उससे मिलने जाएंगे? नहीं विवेक, उसके घर पे बातें नहीं हो पाएंगी। मैं फोन करके उससे बात करती हूँ। हेलो। हेलो दामिनी। कौन? मैं विवेक की मम्मी बोल रही हूँ। ओ नमस्ते आंटी, आपने मुझे कैसे याद किया? बस यूं ही, दिल चाह रहा था इसलिए मैंने फोन किया। नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं फोन रख देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए क्या कहना है? बेटा, वक्त के साथ साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, है ना? तुम क्या कहती हो? इंसान तो बदल जाता है आंटी, लेकिन वक्त जो घाव दे जाता है उसका निशान ना ही बदलता है और ना ही मिटता है। फिर भी इंसान को जीना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। सही कह रही आंटी आप, जो खुद के लिए जीता है वो तन्हा रह जाता है, अगर वो रोता है तो दुनिया उसका मजाक उड़ाती है और अगर वो हंसता है तो वो पागल कहलाता है। बहुत सही बात कही तुमने, मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा, इसलिए गुजरे हुए कल को आने वाले कल पर हावी नहीं होने देती। जो हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे भूल जाओ। घाव भर जाते हैं आंटी, लेकिन नासूर नहीं भरते। किसी लड़की की शादी टूट जाना उसकी जिंदगी के लिए एक नासूर है। बेटी, वो हमारी गलती थी, तुम दुखी मत हो, भूल जाओ और हमारी गलतियों को माफ कर दो। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ आंटी? अगर आप गलत हैं तो ऊपर वाले से माफी मांगिए, पाप और पुण्य का फैसला वही करता है। तुम्हारा दिल दुखाया हमने, इसलिए जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी तब तक भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों के सामने मैं माफी मांग लूं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आंटी जी, आप तो मेरी माँ समान है। माँ क्या भला अपने बच्चे से माफी मांगती है? भूल जाइए पुरानी बातों को, मैं भी भूल जाती हूँ। थैंक यू बेटा, ऐसा कहकर तुमने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। बस अब ठंडे दिमाग से सोचकर
एक फैसला करना। कैसा फैसला आंटी जी? मैं चाहती हूँ तुम्हारी और विवेक की शादी के बारे में एक बार फिर से सोचा जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और विवेक की शादी के बारे में एक बार फिर से सोचा जाए। सॉरी आंटी जी, फिलहाल मैंने शादी का इरादा अपने अपने दिल से निकाल दिया है। नहीं नहीं, मैं अभी शादी करने की जिद नहीं कर रही हूँ बेटा। सिर्फ सोचो और जब तुम कहोगी शादी तभी होगी। लेकिन लेकिन आंटी जी। प्लीज इनकार मत करो बेटा, विवेक भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। अगर तुम हाँ कहोगे तो उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार सोच कर देखो प्लीज। ओके आंटी जी, मैं सोचूंगी और फिर जवाब दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कौन है? अरे भाभी मैं हूँ। तुम हो? मैं तो घबराई गई थी। क्यों? मैं मैट्रिमोनियल साइट पे दामिनी का प्रोफाइल डाल रही हूँ। कोई ना कोई रिश्ता तो आ ही जाएगा। आपने दामिनी को बताया? उसकी क्या जरूरत है, दामिनी शादी के लिए राजी है और वैसे ये जिम्मेदारी तो उसने मुझे सौंपी है। जैसे ही लड़का मिल जाएगा उसकी शादी करवा दी, फिर देवराज अंकल भी खुश और हम भी खुश। अब देवराज अंकल को दामिनी की शादी से कोई मतलब नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं जी। पहली बार वो नाकाम हो गए तो उन्हें भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो ये दिखा रहे हैं कि दामिनी की शादी में अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो देवराज अंकल का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वही हमारी जीत होगी। यस यस, हाँ समझ रहा हूं मैं। अरे कर लेंगे यार, चल मैं कॉल करता हूं तुझे, ठीक है? बाय। किससे बात कर रहे थे जी? अरे मामा जी, कॉलेज का इनका फ्रेंड। अच्छा हुआ आप आ गए। अजीत बेटा, मैं तो जिंदगी पर हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगा, पर दिव्या क्या तुम्हारे साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार? हाँ मामा जी, वो पूरी तरह से मेरा साथ दे रही है। अरे फिर देर किस बात की, लेकर भाग जाओ उसे, आगे मैं संभाल लूंगा। नहीं मामा जी, मुझे सही और गलत का फर्क पता चल गया है। मैं ऐसा काम करूंगा कि देवराज अंकल सारी जिंदगी याद करे। अजीत, उसका नाम देवराज है तो वो सब पर राज करना चाहता है, सब पर अपना रौब छाड़ना चाहता है। वो टूट जाएगा पर भूलेगा नहीं। तुम ये बात समझ लेना कि वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। मामा जी, इंसान कमजोर भी हो जाता है, मैं उनको ऐसा टॉर्चर करूंगा कि वो बौखला जाएंगे, और बौखलाहट में इंसान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है और फिर पछताता है, लेकिन मैं उन्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। अजीत, देवराज की ओर तुम्हारे जो भी कदम उठेंगे वो अगर सोच समझ कर उठेंगे तभी तुम्हारी जीत होगी। मामा जी, हर हाल में हमारी ही जीत होगी। हाँ जी, अब तो जीत यकीनन तुम्हारी होगी, क्योंकि अब तक तुम देवराज की बातों को सच मानकर उसे फॉलो करो, अब तुम्हारी समझ में आ गया है कि वो गलत इंसान है। हाँ मामा जी, आज मैं समझ गया हूं,
उस वक्त मैंने देवराज अंकल का साथ देके ठीक नहीं किया। अजीत, सुबह का फूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे फूला नहीं कहते। दिव्या को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।